अभी आप लोगों ने सुना होगा वैभव शिखर सम्मेलन के बारे में, तो जान लेते आखिर ये है क्या, क्योंकि इस तरह के टॉपिक आप देखते हैं कि क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इस तरह के टॉपिक जो भी करंट में रहते हैं। वैभव शिखर सम्मेलन यानी कि वैभव समिट 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो याद रखिए, अभी आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, समझ रहे हैं? 2 अक्टूबर को आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। स्वच्छ भारत आपने सुना होगा, अभी यानी 2 अक्टूबर को ही चलाया गया था। आप लोगों को बताना है कि एक और व्यक्ति हमारे यहाँ के बहुत ही महान, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं, उनका भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नीचे आप लिखिए, याद रखिए 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ और 30 जनवरी 1938 1948 को गांधी जी की डेथ, यानी कि आप जानते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई थी। वैभव शिखर सम्मेलन के बारे में अगर हम बात करें तो यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। महीने भर तक चलने वाले इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन तरीके से शोधकर्ताओं के बीच विचार विमर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल होंगे क्या क्या, क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आजकल आप देखते हैं कि AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कुछ ज्यादा ही की जा रही है, मशीन लर्निंग, संचार प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटेशनल एवं डेटा विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी। आप समझिए कि अगर आज की ये जरूरत है, ये जो भी था एक तरह से आपके तथ्य लिए गए हैं, फिर चाहे आप लोग आधार स्तंभ कहिए, अगर हमें विकसित देश बनना है या पावरफुल कंट्री बनना है, पावरफुल मतलब शक्तिशाली देश बनना है, तो इन सभी पर आप विचार खुद आप देखिए कि ये वो आपके एक तरह से पॉइंट हैं जो आज की दुनिया के लिए, हर व्यक्ति के लिए मुझे लगता है जरूरी है। तकनीक से कौन छूटा हुआ है, आज सबसे बड़ी तकनीक है, समझ रहे हैं? तो इसमें सभी यही आपके शामिल किए जाएंगे। वैभव शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आखिर क्या है, ये वैसे भी ये कोई खुशी में तो नहीं आयोजित किया जा रहा है, कोई इसका उद्देश्य भी तो होगा। आप लोग तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की, कोई उद्देश्य तो होगा, तभी तो तैयारी करते हैं। उभरती चुनौतियों को हल करने हेतु वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता एवं ज्ञान का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करना, भारत में शिक्षाविदों एवं वैज्ञानिकों के साथ सहभागिता तथा सहकारी साधनों के बारे में गहराई से चिंतन करना, ग्लोबल आउटरीच के माध्यम से देश में ज्ञान एवं नवाचार का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, यही वैभव शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। वैभव शिखर सम्मेलन के आयोजक की बात करें तो यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO शामिल है। इसके अगर महत्व की बात करें तो भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए वैभव शिखर सम्मेलन अटल इनोवेशन में एक नया आयाम जोड़ेगा। यह शिखर सम्मेलन नई शिक्षा नीति के साथ संरेखण में भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीयों के सक्रिय समर्थन और विचार विमर्श को बढ़ावा देगी। याद रखिए, आपकी जो नई शिक्षा नीति आई हुई है, इस पर हम लोग विस्तार से बात कर चुके थे। अगर आप सही में, अगर एक अभी देखते हैं आप लोग की हजारों योजनाएं बनती रहती हैं, लेकिन वो धरती पर एक तरह से आप कहिए कि धरती पर नहीं पहुंच पाती हैं, लागू तो कर दी जाती हैं ऊपर से, नीचे नीचे तक क्या पहुंचता है आप भी जानते हैं। अगर नई शिक्षा नीति अच्छे से लागू हो गई तो इतना यकीन मानिए कि हमारा देश कहीं भी पहुंच सकता है। इसमें वो आयाम रखे गए एक तरह से जो बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कितना सफल रही है, कितनी कितनी लागू हो पाई है। 6% GDP का खर्च करने की बात की जा रही है। आप देखते हैं 1968 में जब हमारी पहली शिक्षा नीति बनी तब भी बात की गई थी, लेकिन आज तक आप जानिए कि शिक्षा पर 6% GDP का खर्च नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? फिर दूसरी आप देखते हैं कि 1986 में बनती है, पहली 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी अभी, ठीक है? तो ये है। और आप जानते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए,
और स्वास्थ्य व्यवस्था, तो हर देश मतलब अब एक एक तरह से ये कहिए कि एक विकास की यानी कि विकसित होने की या आगे बढ़ने की सफल होने की मेन स्तंभ है, आधार है। दो, विश्व के विभिन्न देशों में कार्य कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद अपने वैश्विक दृष्टिकोण एवं अनुभव के साथ आत्मनिर्भर भारत पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप सोचिए कि हमने कह दिया कि आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर तो तब होंगे हम लोग। अभी आप देखते हैं कि अधिकतर हम लोग सामानों के लिए चाइना पर निर्भर हैं, कई अन्य देशों पर निर्भर हैं। अभी दूर छोड़िए इन सब मामले में, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, कहा जा रहा है कि चार फोन, अगर हमारे चार पांच फोन हमारे बाजार में है, हमारे देश में है, तो उसमें से तीन से चार फोन आप देखते हैं चाइनीज कंपनियों के हैं। अगर हमें चाइना से अपना एक तरह से आयात घटाना है तो हमें दूसरा विकल्प भी तो देना होगा। अब आप सोचें कि वाइकोट चाइना की आप देखते हैं आंदोलन टाइप के चलते रहते हैं, ये सक्सेस नहीं हो सकते हैं जब तक कि दूसरा कोई विकल्प ना उपलब्ध कराए। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, आपने देखा है लद्दाख में, उसके बाद आपने देखा है कि किस तरह से इस तरह का आंदोलन आवाज उठाने लगी बायकॉट की। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि ये सक्सेस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सक्सेस हो जाएगा? देखिए उस समय हमें भी दुख था, आपको भी दुख था, तो एक भावनात्मक लगाव था, इसका विरोध कर रहे थे हम लोग क्योंकि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन आप सोचिए कि उस समय एक नया फोन आया हुआ था चाइनीज कंपनी का, धड़ल्ले से भारत में बिक रहा था क्योंकि उतना सस्ता फोन नहीं है ना हमारे पास, दूसरा विकल्प आप उपलब्ध करा दीजिए। ठीक है, 10,000 का कोई चाइनीज अच्छा सा फोन मिल जाता है, उसी क्वालिटी का, उसी फीचर्स का, मतलब आप उतने ही कीमत का एक आप फोन इंडियन या किसी अन्य कंपनी का ले आइए, कोई नहीं खरीदेगा चाइनीज फोन। लेकिन आप सोचें कि आपके पास मोबाइल की कोई उपलब्ध ना हो और आप चाइनीज फोनों को बंद करने, ऐसा संभव नहीं है। और आप सोचिए डिजिटल भारत की बात करते हैं आप लोग, तो हमें डिजिटल साधन तो उपलब्ध कराना होगा, तभी तो डिजिटल भारत होगा उपलब्ध। तो ये है, अभी आपने देखा है कि 5 हम लोगों ने फ्रांस से राफेल विमान मंगाए हुए, हम लोगों ने खूब खुशियां मनाई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि असली खुशियां हम लोग उस दिन मनाएंगे जब हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह की हो जाएगी, हमारे यहाँ की तकनीक इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि हम राफेल से भी कई गुना अच्छे विमान बना रहे होंगे, अपनी सेना को सप्लाई कर रहे होंगे और बाहर देशों को बेच भी रहे होंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था में भी ये योगदान दे जुड़ रहा होगा। अभी तो आप सोचिए कि हमने खरीद लिए, अब पाकिस्तान के पास होगा, पाकिस्तान जाके खरीद सकता है, हमसे पहले भी कई देशों ने खरीद लिए हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई खुशी वाली बात थी, समझ रहे हैं? तो ये हाल है। और शिक्षा का आप समझिए कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत बुरा स्तर है। आपने कह दिया कि साक्षरता जो लिख लेता है, बोल लेता है, पढ़ लेता है, उसे साक्षर कर दीजिए। मुझे तो लगता है हर कोई इस तरह की बात कर ले अगर पढ़ लिख ले, एक आप कहिए क्रिटेरिया, मतलब एक इस एक क्या बोले उसे कि मतलब एक निश्चित निर्धारित योग्यता एक निर्धारित कर देनी चाहिए कि मतलब 12वीं पास या कुछ और जो भी आपको अच्छा लगे ये पास किया हुआ है और इतनी योग्यता है तो उसे साक्षर कहा जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग? बिहार की स्थिति देख लीजिए, हम लोग कहाँ वहां सक्सेस कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो ठीक है, जैसा भी अगर अच्छा रहे, अगर ऊपर वाला भगवान की कृपा हो जाए, शिक्षा नीति अच्छे से लागू हो जाए, तो हो सकता है कि हम लोगों को काफी सफलता मिले। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को याद रखिए, क्वेश्चंस बनते रहते हैं नॉर्मल इस तरह के।